हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और 2024 में अगर आप बीएड करने का सोच रहे हैं, वो भी घर बैठे, और आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप इजीली यहां से बीएड कर सकते हैं। ये यूनिवर्सिटी है पंजाब यूनिवर्सिटी, जो कि डिस्टेंस से भी बीएड करवाती है। पूरी इन्फॉर्मेशन वीडियो में देखने के लिए मिलेगी आपको। इसके बाद अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। सेशन हमारा रहेगा 24-26। यहाँ पर जो ड्यूरेशन है कोर्स की, वो दो साल है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स है 800, तो 800 सीट्स यहाँ पर है बीएड डिस्टेंस के लिए। और ये रिकॉग्नाइज्ड है, रिकॉग्निशन नंबर भी देख सकते हैं, एनसीटी से रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि ये वैलिड है या नहीं है। 2 ईयर का है और 4 सेमेस्टर होंगे आपके। यहाँ पे सेमेस्टर वाइज चलता है। फॉर्म जो है आपके 16 तारीख से स्टार्ट हो चुके हैं। वैसे 15 बोला था, बट कल से आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और आज 17 तारीख है, तो आप लोग आराम से फॉर्म भर सकते हैं। लास्ट डेट फॉर्म भरने की है 5 तारीख, और 5 तारीख तक ही आप लोग जो है ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। इसकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो रहेगी वो 1000 रुपये है जनरल कैटेगरी के लिए, 500 रुपये है एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए। जब आप काउंसलिंग के लिए जाएंगे तो काउंसलिंग के लिए आपको 500 रुपये देने होंगे, जो कि नॉन रिफंडेबल है, वो आपको वापस नहीं मिलेंगे। यहाँ पर आपके मेरिट बनेगी ग्रेजुएशन या पीजी के बेसिस पे। यहाँ पर कोई भी एंट्रेंस आपका नहीं होता है। आपको कोई भी क्वेरी है आप इस मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं, और नीचे भी जब हम स्क्रॉल करेंगे इसको, इस पीडीएफ को, ब्राउचर को, तो नीचे नंबर भी दिया है। और अच्छी बात यह है कि कॉल उठा लेते हैं, आपकी क्वेरी का कॉल के ज़रिए भी जो है क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, साइट विज़िट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं इसको जो ये जो इन्फॉर्मेशन ब्राउचर है इसको टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर रही हूँ। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है कलर्स ऑफ एजुकेशन, वहाँ पे जाके आप इसे देख सकते हैं। अदरवाइज़ आप इसको वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप जो है मतलब इम्पॉर्टेंट चीज़ें हमें देखनी है। पहली है आपको टाइमली अपना फॉर्म भरना है, क्योंकि रश हो जाता है लास्ट डेट पर, हमें भी पता है। दूसरा है, अगर कोई भी नेटवर्क इशू आता है लास्ट डेट के दौरान, तो उसके लिए यूनिवर्सिटी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ठीक है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फ़ीस और काउंसलिंग फ़ीस मैंडेटरी है, आपको देनी ही देनी है। काउंसलिंग फ़ीस आप जब काउंसलिंग के लिए जाएंगे तब देनी है, और ये नॉन रिफंडेबल है, वापस नहीं मिलेगी आपको। कोई भी पेमेंट आप चेक या कैश या ड्राफ्ट के द्वारा नहीं दे सकते, ऑनलाइन ही सब चलेगा, तो ऑनलाइन मोड पर ही देना है, ठीक है। देन उसके बाद ये पूरा इन्होंने कंटेंट दिए हैं, तो कंटेंट देख सकते हैं। एलिजिबिलिटी कंडीशंस है, एडमिशन क्राइटेरिया है, रिजर्वेशन पॉलिसी है, टीचिंग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, सारा दिया हुआ है। तो अभी मेन जो है डेट्स मैंने आपके साथ शेयर कर दी है, और फॉर्मेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट, अगर आप एम्प्लॉयमेंट अभी आप कहीं पढ़ा रहे हैं तो आपको देना है, अदरवाइज़ नहीं देना है। यहाँ पर अप्रूव्ड जो है स्टडी सेंटर्स हैं, सारे स्टडी सेंटर पंजाब के हैं। कॉन्टैक्ट प्रोग्राम जो है आपका वो 14 दिन का लगता है हर सेमेस्टर में। कितना दिन का लगता है? 14 दिन का। और ये आपको फ़ेस टू फेस मोड पे लेना होता है, आपको डेली जाना पड़ेगा 14 दिन, और आपको 80% जो है होना ज़रूरी है अटेंडेंस आपकी इसमें। अगर आपका 80% अटेंडेंस नहीं है तो आपको मतलब आगे डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा इस कोर्स से, समथिंग लाइक दैट। तो 80% अटेंडेंस ज़रूरी है, यानी 14 दिन आप फर्स्ट सेमेस्टर में जाएंगे, फिर 14 दिन आप सेकंड सेमेस्टर में जाएंगे, तो आपको ये जो है कॉन्टैक्ट क्लासेस लेनी है, प्रोग्राम लेना है। स्टडी मटेरियल सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में अवेलेबल है। एग्जामिनेशन फॉर्म वो बाद में बात करेंगे। फ़ीस इसकी 26,000 समथिंग एक सेमेस्टर की है, 26,000 समथिंग कुछ है, प्रॉपर अभी नीचे देख सकते हैं आप लोग। आप इसे खुद से भी रीड कीजिए और मोस्टली डाउट आपके वैसे भी क्लियर हो जाएंगे, बाकी वीडियो में बता ही रही हूँ। तो फ़ीस इसकी 26,000 समथिंग है, 26,000 ही लगा लो एक सेमेस्टर की। आप 4 सेमेस्टर 26 को मल्टीप्लाई कर लो, जो आ रहा है वो टोटल अमाउंट है यहाँ पे, ठीक है। डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है काउंसलिंग के दौरान, तो वो इसी पीडीएफ में दिया है, आप लोग देख सकते हो। अप्लाई करने का मैं बता देती हूँ अभी, और ऑनलाइन अप्लाई का पूरा प्रोसेस दिया है। रिजर्वेशन पॉलिसी, एडमिशन क्राइटेरिया, ये सब अब आगे बात करते हैं। एलिजिबिलिटी पहली तो ये है कि आप किस स्कूल में पढ़ा रहे हैं। दूसरी एलिजिबिलिटी ये है कि आपके पास एनसीटीई से अप्रूव्ड रिकॉग्नाइज्ड टीचिंग डिप्लोमा होना चाहिए फेस टू फेस मोड पर। कुछ कैंडिडेट NIOS से DLED किया हुआ होता है तो वो एलिजिबल नहीं है, इन्होंने फेस टू फेस मांगा है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन इन्होंने दिया है। पहला है, अ पर्सन हु
possesses the following qualification shall be eligible to join the course. तो पहला यहाँ पर ये है कि अगर आप पढ़ाना मतलब जो आगे कोर्स करना चाह डिग्री करना चाहते हैं, डिग्री है, डिग्री कोर्स है बीएड हमारा, तो आप इसके लिए बीएड के लिए एलिजिबल हैं अगर आपके ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स है, सब्जेक्ट यहाँ दिए मतलब स्ट्रीम दी हुई है, ठीक है, 50% मार्क्स है, लेकिन अगर आप एससी एसटी ओबीसी हैं तो आपको 45% मार्क्स चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास डिग्री इन इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी विद स्पेशलाइजेशन इन साइंस और मैथमेटिक्स है तो इस कंडीशन में आपको 55% चाहिए, और यहाँ पे एससी एसटी ओबीसी वालों को पीडब्ल्यूडी वालों को 5% का रिलैक्सेशन है, यानी 50% मार्क्स। तो आप इन दोनों में से जिस भी कैटेगरी में आते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन है कैंडिडेट्स हु हैव कम्प्लीटेड एन सी टी ई रिकोगनाइज टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम थ्रू फेस टू फेस मोड। आपने रेगुलर मोड पे एन सी टी से रिकोगनाइज कोई कोर्स किया हो, डिप्लोमा, टीचिंग डिप्लोमा किया हो, एंड नॉट इन द टीचिंग प्रोफेशन आर ऑल्सो एलिजिबल टू एडमिशन इन टू टेक बी एड ओ डी एल प्रोग्राम प्रोवाइडेड द पॉजिटिव ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन, ठीक है। तो ये देखो, अगर आपके अगर जैसे मान लीजिए आपने कोई टीचिंग डिप्लोमा किया हुआ है और आप किसी स्कूल में नहीं पढ़ा रहे हैं, आप टीचिंग प्रोफेशन में नहीं हैं, तो भी आप लोग यहाँ से बीएड कर सकते हैं, ठीक है। कंपलसरी नहीं बोला है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं है। तीसरा है मार्क्स और डिग्री इन इंजीनियरिंग, तो 55% अगर आपने ये किया हुआ है तो मांगा है इन्होंने, अदरवाइज 50% मोस्टली यहाँ पे बीए वाले ही होंगे। इसके बाद है इन द केस ऑफ, मैंने बता दिया है 5% का रिलैक्सेशन है, वही सब सारा है। और इसमें मार्क्स किस बिहाफ पे कैलकुलेट होंगे इन्होंने बोला है एवरेज परसेंटेज ऑफ ऑप्टेनिंग प्रभाकर ज्ञानी, ठीक है, ये इन्होंने फॉर कैलकुलेटिंग द परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन केस ऑफ स्टूडेंट हु हैव पास द बीए एग्जामिनेशन बाय पास द फॉलोइंग प्रोसीजर विल बी अडॉप्टेड। तो यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है कुछ स्पेसिफिकली बताया हुआ है, लाइक यहाँ पर जैसे ये प्रभाकर ज्ञानी और इक्विलेंट एमआईएल एग्जामिनेशन इंग्लिश, ठीक है, तो ये इतना खैर हमारा काम का नहीं है। देन उसके बाद ये एडमिशन क्राइटेरिया है, बता दिया मैंने 800 सीट्स है, मेरिट बेस पे आपका जो है एडमिशन होगा। रिजर्वेशन पॉलिसी आप लोग देख सकते हैं एससी की कितनी सीट्स हैं, ठीक है, और मतलब पंजाब की, ऑल ओवर इंडिया, इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं, अलग अलग सारी सीट्स हैं, टोटल 300 सीट्स हैं। टीचिंग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, तो ये अपना पॉज करके देख लो या कलर्स ऑफ एजुकेशन पे मैंने डाल दिया है, इसको आप लोग आराम से पढ़ सकते हैं, ये आपको खुद देखना पड़ेगा, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसको समझाने लग गई तू मैं। हाउ टू अप्लाई, तो यहाँ पे अप्लाई करने के जो है स्टेप दिए हुए हैं, स्टेप फॉलो करते हुए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है जब आप काउंसलिंग के लिए जाएंगे तो आपको सेल्फ अटेस्ट कॉपी ऑफ आधार कार्ड चाहिए, 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स चाहिए, और जो आपने एडमिशन फॉर्म भरा था एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ोटो मतलब एडमिशन फिल्ड बाय द कैंडिडेट प्रिंट कॉपी चाहिए उसकी, ग्रेजुएशन के आपके यहाँ से डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं या पीजी के। उसके बाद डीएमसी ऑफ डिप्लोमा सर्टिफिकेट ऑफ टीचिंग कोर्स अप्रूव बाय, जो आपने डीएलएड किया है या एंटिटी किया है वो चाहिए। अगर आपके पास एससी एसटी ओबीसी बीसी मतलब बैकवर्ड क्लास है तो आपको उसका सर्टिफिकेट चाहिए। देन उसके बाद है एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट, एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट फॉर इन सर्विस टीचर्स इन, अगर आप पढ़ा रहे हैं कहीं तो आपको चाहिए, ये कंपलसरी नहीं है। उसके बाद है ड्यूली अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ द अबव डॉक्यूमेंट फॉर सबमिशन अलॉन्ग विद द एडमिशन कम एप्लीकेशन फॉर्म, तो ये सारा आपको क्या करना है, सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज आपको देनी है यहाँ पे, ठीक है, और आपका सब काउंसलिंग चेक हो मतलब काउंसलिंग के दौरान सारे डॉक्यूमेंट्स आपके चेक हो जाएंगे। यहाँ पर है द टोटल फीस ऑफ बी एड शैल बी डिपॉजिट इन 4 इंस्टॉलमेंट, 4 इंस्टॉलमेंट, 4 सेमेस्टर है, 4 बार आपको फ़ीस देनी है, हर सेमेस्टर की 26,121 रुपये फ़ीस है, ठीक है, और ये इसका कैटेगराइजेशन दिया हुआ है तो देख सकते हो आप लोग। और यहाँ पर स्कॉलरशिप भी मिलती है, ठीक है, द एस सी स्टूडेंट्स ऑफ पंजाब स्टेट, ठीक है, तो ये जो एस सी स्टूडेंट है पंजाब के भाई एक बार देख लेना, स्कॉलरशिप का भी है, यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलती है इनको। स्टडी मटेरियल इंग्लिश मीडियम में है, मैंने बता ही दिया है। एग्जामिनेशन फॉर्म भरना होता है आपको एग्ज़ाम से पहले। पर्सनल कॉन्टैक्ट क्लासेस मैं जैसे कि पहले बता चुकी हूँ कि 14 डेज़ की लगेंगी ईच पर सेमेस्टर, ठीक है, मतलब हर सेमेस्टर में लगेगी, और स्टडी सेंटर पर ही लगेगी जो भी पंजाब में स्टडी सेंटर्स हैं। अब जो यहाँ पर उन्होंने बोला है पहली स्टडी जो पहली वो होगी ना क्लास वो होगी 18 नवंबर से लेकर 27 नवंबर तक, 80% अटेंडेंस इज़ मैंडेटरी ड्यूरिंग पीसीपीज, ठीक है,
और फेस टू फेस मोड पे होगा, ऐसा नहीं है कि आपको ऑनलाइन क्लास ले जाइए, आप रेगुलर प्रोग्राम करवाएंगे या आपको रेगुलर कंडक्ट होएगा। 80% इन्होंने बोला है कि 80% अटेंडेंस होनी चाहिए, अदरवाइज़ आपको रोल नंबर नहीं दिया जाएगा एग्ज़ाम देने के लिए। ये स्टडी सेंटर से आप लोग देख सकते हैं, स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं आप इसका। हर स्टडी सेंटर पर इन्होंने बोला है कितने हैं, 50 स्टूडेंट्स इज एडमिटेड टू दैट सेंटर, ठीक है, 50 हैं और टोटल हमारी 800 सीट्स हैं, ठीक है, 800 सीट्स हैं और हमारे यहाँ पे 9 स्टडी सेंटर्स हैं। यहाँ इन्होंने स्टडी सेंटर का मतलब बोला नहीं है कितने हैं, एक्चुअली एक मिनट दोबारा मैंने देखा इसको, जो आपकी कॉन्टैक्ट क्लासेस होंगी ना, कंडक्ट होगी यहाँ पे पर्सनल प्रोग्राम, उसके लिए 50 स्टूडेंट ईच स्टडी सेंटर पर बोला गया है, बाकी थोड़ा बहुत कम ज़्यादा ये लोग देख लेंगे अवेलेबिलिटी और ऑन सीट्स सीट्स के ऊपर। अगर आप किसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो इस टाइप का आपको सर्टिफिकेट बनवा कर देना है, दैट इज़ सर्टिफाई दैट आपका नाम हैज़ बिन टीचिंग इन दिस स्कूल फ्रॉम डेट आ जाएगी, और ठीक है ये सारा आपका, ये आपका प्लेस यहाँ पे साइन और स्टैम्प और नेम आ जाएगा, आपके स्कूल के प्रिंसिपल का डेट आ जाएगी, नेम आ जाएगा और आपके स्कूल का एड्रेस आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद इम्पॉर्टेंट डेट्स है जो कि मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, और फिर उसके बाद हमारा ये कॉन्टेक्ट नंबर शायद उन्होंने नहीं दिया है इस बार, मुझे लगा कि दिया है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी, होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे, आप लोग आराम से यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू।